अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मुफीद टोटका शेयर कर रही हूँ, जो कि है करेले की कड़वाहट को दूर करना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करेले थोड़े से कड़वे बनते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो काफी कड़वे हो जाते हैं, जो कि बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते और बाज़ औक़ात बड़ों को भी पसंद नहीं आते। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसा आसान और सादा सा तरीका शेयर करूंगी कि जिससे करेले की कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब कुछ लोग करते क्या है, करेले छील के काट के उन्हें नमक लगा के रख देते हैं, फिर अच्छी तरह मल मल के धो के पकाते हैं ताकि कड़वे ना पके। तो मैं इस तरह बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह हम सारे मिनरल तो सिंक में बहा देते हैं, तो फिर हमने पकाना क्या होता है। मैं जिस तरीके से पकाती हूँ, मैं आपको आपके साथ वही तरीका शेयर करूंगी। ये देखें, करेले मैंने काट के पानी में भिगो दी हैं, मैंने छीले भी नहीं है, छीलती भी नहीं हूँ मैं ना। तो ये 2 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है, ये 1 किलो मेरे करेले हैं, इन्हें मैंने पानी में भिगो दी है। अब ये मैं सिरका डाल रही हूँ इसमें। अब अच्छी तरह हिला के ये हम तकरीबन 10-15 मिनट तक इसी तरह रख देंगे। इसके बाद हम इन्हें पानी में से निकाल के साफ पानी से धो के, तो फिर जब खुश्क हो जाएंगे तो फ्राई करके पका लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आएगा और इस तरीके से आप बना के देखें, करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।